अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, डू द मैथ्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स Inversion method number 2, the Cramer rule. Use the matrix if possible to solve the following system of linear equation. If the possible to solve का मतलब पहले भी हमें पता है कि जिस matrix का inverse नहीं निकलता उसको आगे solve नहीं किया जा सकता। किस matrix का inverse नहीं निकलता? Geometrix determinant जिसका 0 आ जाता है वो matrix सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इसने लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। यहाँ पर थोड़ी सी बात लीनियर इक्वेशन के मुतालिक हो जाए। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन को कहते हैं उसके वेरिएबल की पावर 1 होगी। जैसे ये एक्स है तो एक्स की पावर 1 होगी और वाई की पावर 1 होगी, उसके वेरिएबल में सिर्फ ए की पावर होगी वो 1 होगी। और सिस्टम इसको इसलिए कहा है कि ये दो दो इक्वेशनों का सेट है। तो अगली क्लासों में आप तीन तीन इक्वेशन के सेट को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको बारी बारी हम सारे सवाल हमने करने हैं, तो पहला सवाल हम कर लेते हैं जो कि पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसको हम सबसे पहले इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं और लिख लेते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्योंकि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करना है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, उसके बाद सारी इक्वेशंस को लिख लेंगे जो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशंस दी हुई हैं। तो आपके सामने दो इक्वेशन मैंने लिख ली हैं, इनको अब सॉल्व करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट्स। यहाँ पर हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। किसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है? ये एक्स और वाई जो हैं ये वेरिएबल हैं और उसके साथ ये वाले नंबर जो हैं ये कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, ये वाला कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। इस फॉर्म में लिखने का हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो जो जवाब आएगा वो ये ही आएगा, ये वाला सारा पोर्शन आएगा और ये इसके बराबर होगा, ये वाले इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब हम इसके फर्दर इसके नामों से लिख लेंगे, इसका नाम रख लेंगे। सबसे पहला मैट्रिक्स ए होगा जिसकी के एक्स वाई वेरिएबल जो हैं इनके कोएफिशिएंट का वो मैट्रिक्स होगा। जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखे होते हैं उनको कोएफिशिएंट कहते हैं। ये वाला एक्स का कोएफिशिएंट है, ये भी एक्स का कोएफिशिएंट है, ये वाई का कोएफिशिएंट है, ये भी वाई। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे जिसका नाम हम मैट्रिक्स ए देंगे, वो इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। उसकी एंट्रीज होंगी 2, -2, 3 और 2, ये इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। उसके बाद हम एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे जो कि वेरिएबल का मैट्रिक्स होगा, जिसकी एंट्रीज होंगी एक्स और वाई। उसके बाद हम मैट्रिक्स बी बनाएंगे जिसकी एंट्री कांस्टेंट पर मुश्तमिल होगी, जो कि 4 और 6 कांस्टेंट हैं, वो कांस्टेंट वाले कॉलम पर मुश्तमिल होगा। तो ये बी मैट्रिक्स जो होगा वो कांस्टेंट पर मुश्तमिल होगा, उसकी एंट्रीज होंगी 4 और 6। तो ये तीन मैट्रिक्स बन गए हैं, एक ए मैट्रिक्स जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, एक एक्स मैट्रिक्स जो कि एक्स वाई पर मुश्तमिल है और एक बी मैट्रिक्स जो कि 4 और 6 कांस्टेंट जो है उस पर मुश्तमिल है। तो इनका फायदा क्या होगा ये मैट्रिक्स बनाने का? इसका फायदा ये होगा कि ये वाला जो हम इक्वेशन है, ये वाली ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको इस्तेमाल करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू बी, जब ये ए इधर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब हमने सारा जोर लगाना है ए इनवर्स फाइंड करने पर। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत, वो दो चीजें हम फाइंड कर लेंगे। दो चीजें फाइंड, क्या कौन सी दो चीजें? एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। और उसके बाद जब वो निकल आएगा इनवर्स ऑफ ए, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे और
हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं। A मैट्रिक्स सामने ही हमारे लिखे हुए हैं, 2-2, 3-2 है, जो कि हम मैंने इक्वेशन के कोएफिशिएंट से बनवाया था। उसके बाद इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे और उससे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2, माइनस के निशान के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × -2। तो ये फर्दर 4 आ गया, 2 × 4 होता है, तो ये 4 आ गया। और ये वाला -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3×2 = 6 और वो पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो इसका डिटरमिनेंट आ गया है, ए का डिटरमिनेंट 10 आ गया है। अब 10 को हम रख लेंगे, इसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे उस वक्त ये हमारे काम आएगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कि ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज पॉसिबल। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, ये वाली जो एंट्रीज हैं इनकी जगह तब्दील करते हैं, और इनकी जगह क्योंकि ये दोनों सेम एंट्री हैं, इसकी जगह भी तब्दील करेंगे तो वही एंट्रियां रहेंगी, 2-2 ही रहेगा, चाहे उस जगह पर लिखो या इस जगह पर लिखो। तो इस वाले जो डायगोनल में एंट्रीज होती हैं उसके साइन चेंज करते हैं हम, तो जो 2- का है वो प्लस का हो जाएगा और 3 जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है, जिसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 था तो 1/10 लिख देंगे हम। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी जो हमने निकाला है, जिसकी एंट्रीज 2, 2, -3 और 2 निकली थी, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिलहाल हमें इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसी तरह ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a इंटू बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इनवर्स ऑफ a हमारे पास है, ये सारी जो वैल्यू आई है ये इनवर्स ऑफ a की वैल्यू आई है, और b की वैल्यू वो भी हमारे पास ही मौजूद है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, वहां से देख लेना b की वैल्यू। तो यहाँ पर पहले a इनवर्स की वैल्यू फाइंड लिख लेते हैं। इधर a इनवर्स की वैल्यू 1/10 × 2, 2-3, 2, ये वाला मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स इसके भी साइड लिखेंगे। b मैट्रिक्स की एंट्री है 4 और 6। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इन दो मैट्रिक्स को, फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 तो ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 + 2 × 6, और उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -3 × 4 + 2 × 6। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद 1/10 ऐसे ही लिख देंगे, और उसके अंदर 2 × 4 = 8 होते हैं और 2 × 6 = 12 होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 + 12, 3 × 4 = 12 होते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेंगे -12, ये माइनस का है तो इसलिए -12 आएगा, और 2 × 6 = 12 होते हैं तो वो +12 आएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं -12 + 12। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/10 ऐसे ही आएगा, और 8 + 2 = 20 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, और -12 + 12 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो उसके बाद ये वाला हमारे पास एंट्रीज आ गई हैं, इनको मजीद अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे। अब एक्स मैट्रिक्स, ये जो एक्स मैट्रिक्स था कैपिटल एक्स, वो इसके बराबर था एक्स और वाई के, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिख देंगे एक्स और वाई की। वो इज इक्वल टू हम लिख लेंगे इसको आगे, इसकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके 20/10, इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो 20/10 आ गया और 0/10 आ गया। उसको मजीद सिंप्लीफाई किया
टेन वन द टेन और टेन टू द ट्वेंटी, यहाँ पर टू आ जाएगा और जीरो जब जीरो डिवाइडेड बाय टेन तो जीरो आ जाएगा। तो ये वाला टू और जीरो जो एंट्रियाँ हैं वो आ गई हैं। और अब अपना जहन 1.1 एक्सरसाइज की तरफ ले जाओ, जहाँ पर हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रियाँ बराबर होंगी और जब उसका ऑर्डर बराबर होगा। इसका ऑर्डर भी बराबर है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर है, इसलिए x इज इक्वल टू टू आ जाएगा और y इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और इसको सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू टू और ज़ीरो। सवाल को हम क्रैमर रूल की मदद से हल करते हैं। बाय क्रैमर रूल वही दो इक्वेशन लिख ली, 2x-2y इज इक्वल टू 4, 3x+2y इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखा, वे कोफिशंट का मैट्रिक्स है 2-2, 3, 2। और उसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स है कांस्टेंट का वो लिखा, वो बी मैट्रिक्स है 4 और 6, उसकी एंट्रियां हैं यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, पहले हमने इसको पैरेलल लाइन के अंदर लिख लेना है और उसकी एंट्रीज 2-2, 3 और 2 है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 2 2 4 और माइनस के निशान के बाद 3 2 6 और ये वाला माइनस फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, इसको प्लस कर देगा तो 4+6 आ जाएगा। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ये इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 आ चुका है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। सबसे पहले अब हम ए एक्स एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स इस तरह लिखेंगे कि ए एक्स मैट्रिक्स जो होगा वो इज इक्वल टू होगा, ये वाला ए मैट्रिक्स है इसका ही हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ये वाली जो एंट्रीज हैं दो, ये एक्स के कोफिशंट हैं और ये वाली जो दो एंट्रीज हैं ये वाई के कोफिशंट हैं। हम जब ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक्स के कोफिशंट को एलिमिनेट कर देंगे और उसकी जगह पर ये आ जाएंगे, ये दो जो बी मैट्रिक्स की एंट्रियां हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, 4 और 6 इधर आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ये ए एक्स मैट्रिक्स है। एक ए एक्स मैट्रिक्स के लिए जो एक्स की एंट्री है, ये दो एक्स की एंट्रीज हैं, इसको एलिमिनेट करके इससे रिप्लेस कर देंगे, ए इसकी जगह लिख देंगे, ये एक्स के कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट की जगह पर ये वाले मैट्रिक्स की एंट्रियां लिख देंगे 4 और 6 यहाँ पर मैंने लिख दी। और ये वाले जो वाई वाली हैं वो इसी तरह लिखी जाए, वाई की जो एंट्री थे वाई की कोफिशिएंट वो -2 और 2 हमने ऐसे। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए अब हम वाई के जो कोफिशंट है ये वाला जो है उसकी जगह पर ये वाली दो एंट्रियां लिख देंगे, एक्स और एक्स की जगह पर यही लिखी रहेंगी, इसको एलिमिनेट करके ये वाली दो जो है इसको एलिमिनेट करके इसकी जगह पर ये वाली लिख लेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे ये वाली एंट्री को, इससे रिप्लेस कर देंगे और ये इसको कहेंगे ए वाई मैट्रिक्स। ये वाला ए वाई मैट्रिक्स भी आ गया, ए एक्स मैट्रिक्स भी आ गया। सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स को हल करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट फॉर्म पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को कहते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया 4-2, 6 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 2 4 8 होता है तो यहाँ पर हम 2 4 8 होता है तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, और 6 2 12 होता है तो ये नेगेटिव का -2 है जो कि फार्मूले के नेगेटिव से माइनस होगा और उसको ये प्लस कर देगा तो यहाँ पर प्लस का 12 फॉर्म। इसको ऐड किया गया तो 20 आया, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 20 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब एक्स एक फार्मूला आपने ये भी याद रख, अब हम इसे कहेंगे एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला यहाँ पर हम ये फार्मूला लिखते हैं आता है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें पता है एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 20 है, और हमें ए के डिटर्मिनेंट का पता है वो 10 है,
तो यहाँ पर हम लिख लिया और ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है, 2 आई है। अब हम y को इसी तरह सॉल्व करेंगे, ay को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, ay को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को डिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो इसको लिख लिया 2, 4, 3, 6 को। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 = 12 होता है तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, माइनस के निशान के बाद 3, 4 = 12 होता है तो यहाँ पर हम 12। इसके बाद इसका ए वाई जो आया 0 आया है ए वाई। अब वाई का फार्मूला बनाएंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया है, 0 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट 10 है। तो इसको जब मजीद सिंप्लीफाई किया गया तो 0 / 10 तो 0 आंसर आ गया, तो ये y की वैल्यू 0 आ गई। तो इसको अब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं जो कि 2 और 0 है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 दोनों मेथड से हल हो चुका है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल के मेथड से, दोनों मेथड से ये सवाल हल हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे।